हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी। हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं। कल हमने ए टू ई की थी, आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए ई टू आई करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आप अगर कोई भी एचटेट है, सीट हेड है, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनके लिए ये कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा कंप्यूटर से फियर करते हैं, डरते हैं कि हाँ कंप्यूटर है, बहुत टफ है, हमें नहीं हो पाएगा। तो उसी को थोड़ा सा ईजी बनाते हुए हम लोग कुछ वीडियोस हमने बनाई हैं कि जिससे क्या है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं, आप अगर आप उनको भी देख कर जाओगे तो आई होप कि दो या तीन क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स के ज़रूर निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास ई कॉमर्स। क्या है ई कॉमर्स? ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो कॉमर्स आपको पता ही होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड थिंग्स होता है। अब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम चेंज कर रहे हैं। आप लोग अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हो, आप कोई ऑनलाइन आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो वो किसके अंडर आएंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंडर आएंगे कि हम गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक, उसके बाद है ई बी सी डी आई सी। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कल हमने एसकाई की थी, एसकाई, ई बी सी डी आई और बी सी डी। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें लिस्ट प्रोवाइड करती हैं कि जहाँ से हम अपने वर्ड्स को एक न्यूमेरिक फॉर्म में हम ले सकते हैं। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफ़र करती हैं। आप लोगों को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जस्ट फुल फॉर्म ही लर्न कर सकते हो। ई स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, सी स्टैंड फॉर कोडेड, डी स्टैंड फॉर डेसिमल, आई स्टैंड फॉर इंटरचेंज एंड सी स्टैंड फॉर कोड। कहीं कहीं पर बी सी डी भी आता है, कहीं कहीं पर बी सी डी भी आ जाता है। बी सी डी की है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर वो लिस्ट होगी जो हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ई पी रोम। रोम की आप लोगों को पता है, रोम की रीड ओनली मेमोरी। अब रोम की टाइप कैसी है? ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहीं से ही एक पी से बन जाएगा, एक पी रोम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। और अकेला ई रोम भी होता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आप देखो, एक ही शॉर्ट फॉर्म से हमारे को तीन और मिल गई हैं। अकेली रोम की, रोम की क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अकेला ई रोम भी आ जाएगा, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। उसके बाद आता है ई एक्सी। इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेबल। ई एक्सी क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल। देन फैक्स। आप लोग फैक्स मशीन के बारे में बारी बारी कई बार सुना होगा कि आपने फैक्स मशीन होती है, तो यहाँ पर हम फैक्स की फुल फॉर्म करेंगे फार अवे जेरोक्स। कि फैक्स मशीन क्या काम करती है? कि कहीं पर दूर बंदा बैठा हुआ है, उसको हमने हार्ड कॉपीज जेरोक्स कॉपीज भेजनी है, तो हम फैक्स के थ्रू। आज ये कुछ टाइम पहले बहुत ट्रेंड में थी, लेकिन आज के जो डिजिटल ईरा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी जो है रिड्यूस हो गई है, क्योंकि आजकल हम मेल के थ्रू अटैचमेंट्स भेज देते हैं, तो फैक्स जो है इतना ट्रेंड में नहीं है। लेकिन फैक्स की फुल फॉर्म क्या है? फार अवे जेरोक्स। क्लियर। उसके बाद आ रहा है फोरट्रान, फोरटन। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है ये? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफएस फाइल सिस्टम, एफएस फाइल सिस्टम। उसके बाद आ रहा है एफटीपी। क्या है एफटीपी? इट इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हमें फाइल्स ट्रांसफ़र करनी होती हैं, हम बेसिकली फाइल्स को इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जब हम फाइल्स को इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस टाइम हमें किसी प्रोटोकॉल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब आप लोग कहोगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं?
सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। दैट मीन्स कि जब हमें फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक उसी तरीके का है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, क्लियर। उसके बाद है GIF, इसको GIF भी बोल देते हैं कई बार, ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रोटोकॉल, कि आप लोगों को इमेजेस जब ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं तो उसकी एक्सटेंशन लगी होती है GIF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रोटोकॉल, क्लियर। उसके बाद आ रहा है हमारे पास GB। GB हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी हायरार्की में इसका कौन सा प्लेस है। तो ये मेमोरी के रिगार्डिंग स्पेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं GB। क्या है ये? GB, क्लियर। उसके बाद आ रहा है GSM, क्या है? GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। देन आ रहा है HTTP, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है। H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, और नेक्स्ट T है ट्रांसफ़र, और P है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेम काम करेगा, सेट ऑफ रूल्स को हम लोगों ने प्रोटोकॉल बोलना है। यहाँ पर क्या होगा कि हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर हम हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने हैं। अब आप लोग कहोगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है कि एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट लिंक खुल जाता है, तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, कि टेक्स्ट पे टेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो। उसके बाद आ रहा है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक वो लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस को बनाया जाता है। जितने भी वेब पेजेस होंगे वो HTML के अंदर बनाए जाते थे। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस चल रही है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक सिर्फ और सिर्फ HTML ही थी जो वेब पेजेस को बनाने में हमारी हेल्प करती थी, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल टेक्स्ट एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। HTML को हम टेक्स्ट एडिटर्स में लिखते हैं और इसको हम वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तब हमारा जो है एक वेब पेज बनकर तैयार होता है। और टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होंगे? नोटपैड हो सकता है, वर्ड हो सकता है, वर्ड टेक्स्ट हो सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमने HTML की लैंग्वेज में लिखने हैं और हमारे पास वेब पेजेस यहाँ पर प्रिपेयर होंगे। उसके बाद है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग जब भी नेट यूज़ करते हो तो हम कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, तो वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IMAP, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल, कि अब आपको इंटरनेट के माध्यम से मैसेजेस को असेस करना है, तब भी आपको एक प्रोटोकॉल की जो है यूज़ पड़ती ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप कोई भी मैसेज है वो असेस कर पाओगे। अगर आप जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी फाइल आप असेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरी ही एक वीडियो प्रिपेयर कर दी जाएगी, कि जहाँ पर सारे के सारे प्रोटोकॉल एक ही जगह पर आ जाएंगे। इन प्रोटोकॉल्स में से भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आई होप ये सारी क्लियर हो गई होंगी। तो चलो एक बार और मैं इनको कर देती हूँ। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EXE, एक्सक्यूजेबल फैक्स, फार अवे ज़ेरॉक्स, फोटोन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FS, फाइल सिस्टम, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। किसका है वो उसके नाम के आगे गिवन होगा, जैसे यहाँ पर मैसेज को असेस करने का था और यहाँ पर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का था, तो मोस्टली P किसके लिए आएगा? या तो प्रोवाइडर आएगा या प्रोटोकॉल आएगा। GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रोटोकॉल, GB, GB, GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, HTTP,
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IMAP, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, पर लेकिन थोड़ी सी आप लोगों के लिए स्टूट करके लेके आए हैं कि ताकि कि आपका एग्ज़ाम इतना नियर आया हुआ है तो आप कम से कम इन से कुछ आप लोगों की हेल्प हो जाए। थैंक यू।